हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्लियर। तो आज बात करेंगे टॉप कॉलेजेस एक्सेप्ट मैट 2020 का एग्जाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड दोनों एग्जाम हो चुके हैं, तो काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो कि मैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो काफी डिटेल में बना रखा है, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और साथ ही में घंटा है यानी कि बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन आते रहें। ये नीचे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है, चाहे तो फॉलो कर लें, काफी अच्छे जो इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में भी इन दोनों का लिंक है, चाहे तो फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो पे आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने लिख रखा है टॉप कॉलेजेस एक्सेप्टिंग मैट 2020 स्कोर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दो कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, पीजीडीएम और एमएमएस प्रोग्राम के बारे में। अगर आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता है तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा डिफरेंस बता देता हूँ। जो एमएमएस प्रोग्राम है उसमें आप लोगों को इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, और पीजीडीएम में आप लोगों को इंटरव्यू के थ्रू जाना पड़ेगा। इसमें इंटरव्यू के थ्रू जो सिलेक्शन है वो होता है, और नॉर्मली जो इसकी एमएमएस की फीस होती है वो भी कम होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट कॉलेज है इस लिस्ट में वो है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट, जिसका जो पीजीडीएम का कट ऑफ है वो है 99.9 और जो एमएमएस का कट ऑफ है वो है 99.98। यहाँ पे जो फीस है वो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने काफी डिफरेंट सोर्सेज से ली है। तो आप लोग क्रॉस चेक करके इनकी वेबसाइट पे भी देख ले कंफर्मेशन के लिए। ये सिटी लोकेटेड है मुंबई में। तो दूसरा कॉलेज है सिंधियम, जिसमें पीजीडीएम अवेलेबल है, जहाँ इसका जो कट ऑफ है वो है 99.98 और यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 1.5, ये भी मुंबई में लोकेटेड है। तीसरा कॉलेज है केजीजी सुमैया, जिसमें आप लोगों को एमएमएस प्रोग्राम ही मिलेगा, जिसमें जो परसेंटाइल एक्सेप्टेड है वो है 99.97 और यहाँ पे जो फीस है वो है 7 लाख रुपीज। तीसरा कॉलेज, यहाँ पे चौथा कॉलेज है 99.95 पे, जो की है विलिंकर, काफी पॉपुलर कॉलेज है, जिसमें एमएमएस प्रोग्राम मिलेगा आपको, फीस है 8 लाख रुपीज, ये भी मुंबई में लोकेटेड है। ज्यादातर इसमें जो कॉलेजेस है वो मुंबई पुणे के हैं, क्योंकि एमएमएस प्रोग्राम वहीं पे होते हैं और यही ज्यादातर कॉलेज जो हैं मैट का स्कोर एक्सेप्ट करते भी हैं। तीसरा जो पांचवा कॉलेज है हमारी लिस्ट में वो है 99.94% पे, जिसका नाम है SIES, जिसमें एमएमएस प्रोग्राम मिलेगा आपको और ये भी मुंबई में लोकेटेड है। उसके बाद डालमिया है, जिसमें एमएमएस प्रोग्राम है, जो कि आपको 99.83% पे मिल जाएगा, यानी कि यहां से आपको कॉल आ सकता है, जिसकी फीस 8 लाख रुपीज है। उसके बाद जो अगला कॉलेज है वो है पुम्बा, जो प्रीवियस टाइम में इसकी काफी वेल रिप्यूटेशन थी, लेकिन अब उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। 99.69% पे आपको मिल जाएगा, जिसकी फीस है 1.5 लाख रुपीज। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा कि ये एक्यूरेट फीस हो सकती है। उसके बाद ये लोकेटेड है पुणे में, 99.77 पे आप लोगों को मिलेगा जेवियर, इसमें भी एमएमएस प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसकी फीस है 6 लाख रुपीज, जो कि लोकेटेड मुंबई में। उसके बाद जो इस लिस्ट पर लास्ट कॉलेज है वो है 99.19 पे, वो है MDI मुर्शिदाबाद, जिसमें जो फीस है वो है 12 लाख की, जो कि अवेलेबल है मुर्शिदाबाद में नियर गुड़गांव। उसके बाद जो अगली लिस्ट है उसमें है एलियंस बिजनेस स्कूल, जो कि 90% पे आप लोगों को मिलेगा, यानी कि आपको मैट में 90% चाहिए। और उसके बाद इसकी जो फीस है वो है 15 लाख रुपीज, जो कि अवेलेबल, जो कि सिटी लोकेटेड है वो है बैंगलोर। उसके बाद जो अगला कॉलेज है वो भी 90% पे है, वो है NIILM, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, जिसकी फीस 12 लाख है। तो ये काफी सारे कॉलेजेस हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लें। जैसे कि ये कॉलेज है जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें ये लोग आपसे लेंगे 80% प्लस पे। उसके बाद जो फीस है वो है 9.25 लाख, मेरे हिसाब से अब इनकी फीस भर चुकी है, जो कि अराउंड 10 लाख रुपीज है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ये जो फीस है ये प्रीवियस स्ट्रक्चर्ड हो सकती है, तो इसलिए आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। उसके बाद जो अगला कॉलेज है वो 80% पे है, वो है IPE हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, जिसपे जो फीस है वो 8 लाख है, और उसके बाद ये लोकेटेड है हैदराबाद में। उसके बाद जो अगला कॉलेज है वो भी 80% पे, वो है ISBM पुणे, यानी कि इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया, जो कि आप लोगों को 8.9 लाख जिसमें फीस देनी पड़ेगी, और ये लोकेटेड है पुणे में। उसके बाद जो अगला कॉलेज है वो है 80+% पे, SDMIMD मैसूर, जिसमें आप लोगों को फीस अराउंड देनी पड़ेगी 10.7 लाख। मेरे हिसाब से इसका फीस स्ट्रक्चर अब बदल चुका है, जो कि अराउंड 12 लाख है, मैसूर में पड़ता है। तो आप लोग इनकी फीस जो है उसको मैं आप लोगों को फिर से बोलूंगा कि इसको चेक कर लीजिएगा, ये पूरी लिस्ट थी। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं।
तो आई होप आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो बंद करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।